भाई साहब, जापान का जो वर्क कल्चर है ना, तो अगर मैं उसको अपने देश से कंपेयर करूँ तो मैं तो कहूँगी वाहियात है भाई वहाँ पे काम करना। यहाँ पे 9 से 5 का ऑफिस होता है, ठीक है। 9 बजे तो पंचुअलिटी है कि 9 बजे आप पहुँचो और 5 बजे आप निकल लो, लेकिन वहाँ पर 9 बजे का ऑफिस है तो आपको 8:30 बजे पहुँच जाना है। अगर आप 9 बजे एग्जैक्ट आ रहे हो तो लोग ऐसे देखेंगे आपको जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया हो। और उसी तरह अगर 5 बजे बैग उठा के चलने लगते हो तो अरे ये क्यों कर रहे हो, मतलब आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि और लोग उठ ही नहीं रहे हैं। वो लोग अगले दिन की तैयारी करते हैं, रिपोर्ट भेजते हैं, पता नहीं क्या करते, कितना काम का कीड़ा है। और ये भी वहाँ पे बताया मेरे फ्रेंड ने कि अगर आपका काम खत्म हो चुका है ना तो आप विंडो साफ करने लग जाओ, डस्टिंग करने लग जाओ, लोग तो वहाँ टॉयलेट तक साफ करते हैं कि नहीं हमें काम करना है। भाई ऐसा काम का कीड़ा, यहाँ देख लो 9 के बदले 9:30 पहुँच जाओ, 5 के बदले 5:45 निकल जाओ, कितना आराम है। उसके बाद भी वो लोग मतलब रात को भी काम करते हैं, छुट्टी के दिन भी पहुँच जाते हैं काम करने, और हड़ताल करते हैं तो डबल काम करते हैं। भाई ये कौन सी बीमारी है। और तो और भाई वहाँ पे बहुत वो है, मतलब बॉस है तो झुके रहो वो करते रहो। और वहाँ पे जो एक सीनियोरिटी होती है ना, वो पोस्ट से नहीं एज से होती है, मतलब मुझसे मेरा जूनियर अगर मुझसे एज में बड़ा है तो मैं उसको बो करूंगी, मैं उसको इज्जत दूंगी। क्या ठीक है, लेकिन प्लीज भाई आप क्यों करते हो कहीं।